मुरादाबाद मूना पानी थाना क्षेत्र के गांव में आज पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर गम और गुस्सा बरकरार है। मूना पानी गांव के दलपतपुर में आज उसी को लेकर सभी बिरादरी के लोगों ने पूरे गांव के अंदर कैंडल जलाकर आत्मा की शांति की दुआ की और शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने एवं शहीदों के परिवार को दुख दर्द और पीड़ा को महसूस करने एवं इस हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग को लेकर 5 मिनट का मौन धारण किया और पाकिस्तान मुरादाबाद के नारे लगाते हुए पूरे गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर राकेश, कमलेश, बबलू, धर्मपाल सिंह, राजेंद्र, विपिन, अनिल, संजय, चंद्रपाल और मूना पानी के सभी पत्रकार मौजूद रहे। शहादत अली, शहीद अली, मोहम्मद सुलेमान, नसीम खान, नक्श अहमद, अशोक कुमार ठाकुर, अरविंद कुमार, राकेश पत्रकार, तौफीक अहमद आदि भी मौजूद रहे। की तरह रहते हैं, एकता का सीधे हमारे यहाँ यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे यहाँ जो सारद भाई पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ मन मन ढंग से तैयार रहते हैं। और यहाँ का जो भी दल पत्रिका मुसलमान साथी है या हिंदू है या कोई भी है, हम सब एक साथ रहते हैं। ना हमारा कोई ये बता सकता है ये मोमिन है या हिंदू है। हम हमारे क्षेत्र में मूना पानी क्षेत्र में पूरे में एकता भाईचारा बना हुआ है। चाहे वो किसी भी गांव का मुसलमान वो हमारा भाई है, किसी भी गांव का हिंदू वो हमारा भाई है। और मैं तो ये चाहता हूँ जो शहीद हुए हैं हमारे सीमा पर जवान, उनकी आत्मा को शांति दे। हमने 5 मिनट का मौन धारण करा है और हम ये चाहते हैं अगर तन मन धन से भी हमें हमारी जान की जरूरत हो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे मूना पानी क्षेत्र के मुसलमान हो या कोई भी हो, हमारे सब साथी सब भाई हैं और हम सीमा पर जाने के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार। शहीद हुए हैं बॉर्डर पे हमारे सैनिक, हम उनके उसमें मौन धारण कराए हमने 2 मिनट का। और सभी लोग हमारे जो पत्रकार हैं सारद, इनका सबका सबका सहयोग है। और हिंदू और जितने भी मुसलमान हैं सब इस चीज़ में सबको दुख हो रहा है कि ये गलत हुआ है। और अगर हम लोगों की सबकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, गांव में रैली घूमी थी आपने? जी गांव में हाँ, ग्राम दलोपुर में हमने एक हमारे ग्राउंड है।